तो दोस्तों सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के लॉन्च होने का सीधा असर अब हवाई यात्राओं पर भी देखने को नजर आ रहा है। सीआर का डेटा बताता है कि मुंबई से शुरू होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में सबसे ज्यादा यात्री 31 से 45 की उम्र के और इसके बाद 15 से 30 आयु वर्ग के यात्री थे। रेलवे के आंकड़े के अनुसार सीआर के 4 मार्गों पर चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस भी है, जहां मुंबई से सिंडरी गोवा सोलापुर जाने वाली यात्रियों का 15 सितंबर से 13 अक्टूबर तक का डेटा जुटाया गया था। इस दौरान कुल 85,600 पुरुष, 26 ट्रांसजेंडर और 57,838 महिला यात्रियों ने सफर किया। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवराज मांसपुरे ने बताया, अनुमान है कि वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग के बाद एयर ट्रैफिक में 10 से 20 फीसदी की गिरावट, वहीं हवाई टिकटों की दरों में 20 से 30 फीसदी की गिरावट की गई है। और ऐसा सिर्फ वंदे भारत के चलते ही हुआ है, जहां रेलवे लगातार वंदे भारत ट्रेनें की लोकप्रियता बढ़ाने और यात्रियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में हमने देखा था कि जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट का आयोजन हो रहा था, उस समय फ्लाइट टिकटों की दरें आसमान छू रही थी। ऐसे में वंदे भारत ने काफी भारी गिरावट कर दी है और अभी तो सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस के चेयर कार वाली वर्जन ही दौड़ रही है। क्या होगा अगर वंदे भारत के स्लीपर, मेट्रो और हाइड्रोजन जैसी फ्यूचरिस्टिक ट्रेन भी आ जाए तो, क्योंकि ऐलान हो चुका है कि यात्रियों को जल्द ही स्लीपर वर्जन की सौगात मिल सकती है। हाल ही में नई स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की कुछ तस्वीरें हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ट्वीट करके कंसेप्ट फोटो दिखाया था। साथ ही उन्होंने बताया था कि नई स्लीपर ट्रेनें 2024 की शुरुआत में आ सकती है, जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जाएगी। यात्रा को और भी ज्यादा सुखद बनाने की कोशिश की गई है और सीधा सीधा कहा भी गया था कि यह फ्लाइट यात्रा को काफी जोरदार टक्कर देने वाली है, लेकिन उसका असर अभी से दिखने लगा है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं वंदे भारत के फ्यूचरिस्टिक फैसिलिटी के बारे में, डेफिनेटली हमें कमेंट जरूर करिएगा और जाते हुए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।